छत्तीसगढ़ की गौधन न्याय योजना यहाँ की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं खाद और गौमूत्र से फिनाइल बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। बालोद जिले में समूह से जुड़ी महिलाएं अब गौमूत्र से फिनाइल बनाकर बाजार में बेच रही हैं। महिलाओं का कहना है कि गौधन न्याय योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। जरूर अब कीजिए, गुरूर ब्लॉक में 200 से ज्यादा महिलाएं 12 गौठानों में गौमूत्र से फिनाइल बनाने का काम कर रही हैं। 10 लीटर पानी को फिल्टर करके उसमें फिनाइल कंसंट्रेट, गौमूत्र अर्क और गुलाब जल मिलाते हैं। दोनों को मिला करके फिनाइल बनता है। उसमें से फिनाइल जो मिलाते हैं कंसंट्रेट और गौमूत्र अर्क, उसमें व्हाइट कलर बनता है और उसमें व्हाइट और अलग कलर बनाने के लिए 2-3 कलर उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद वो कलर बन जाती है। कोई सेलिंग जैसे कि कहीं स्टॉल लग रहा है या आंगनबाड़ी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जरूरतमंद हमारे घर से भी ले जाते हैं और जरूरत पड़ता है तो अगर स्टॉल ना लगे तो हम गांव के चौक में भी दुकान लगा के बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गौधन न्याय योजना के तहत हम लोग गौमूत्र इकट्ठा करके गौठानों से और इसका अर्क बनाते हैं और अर्क से हम फिनाइल बनवाते हैं। गौमूत्र फिनाइल कहते हैं इसको। इसमें मैं अपने ब्लॉक में, गुरूर ब्लॉक में लगभग 200 महिलाएं हमारी काम कर रही हैं, फिनाइल बना रही हैं। अगली खबर।